साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है, इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा।